बिल्कुल पढ़ाई की तरह सोचो ही नहीं। अगर हमें लगे ना कि हम लोग कोई स्टडीज में कुछ करने लगे हैं मैथ्स में, वही गड़बड़ है। ये बिल्कुल वीडियो गेम जैसी चीज है, बिल्कुल गेम है ये। जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है ना, वो इतने बिल्कुल वीडियो गेम जैसी चीज है, बिल्कुल गेम है ये। जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है ना, वो इतने सिंपल, इतने बेसिक हैं कि हमें वो डे टू डे लाइफ में काम आने वाले हैं। को अभी एज अ स्टूडेंट, एक बच्चा ना सोचता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने कल को कोई बहुत डिफरेंट फील्ड में जाना है, किसी बच्चे ने कल को सिंगर बनना है, किसी ने कोई और बहुत डिफरेंट फील्ड चूज करनी है। तो अभी स्टेज पे हमें लगता है कि इनका पता नहीं हमारी लाइफ में कोई रोल है कि नहीं, पर ये अकेला एक्चुअली वो सब्जेक्ट है जो हमें लाइफ लॉन्ग काम आना है। क्यों? ये सोचो कि ये वो सब्जेक्ट है जो कि हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है कि अभी हम बिल्कुल अपने रेगुलर काम में क्लास में बैठे एक तरह से गेम खेलें। किस तरह की गेम? वो गेम जो कि एक्चुअली हमारा लॉजिक बिल्ड कर रही है। कल को आप लोग किसी भी फील्ड में जाओगे, वहाँ जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कुछ करने के लिए, वो होती है लॉजिक की। तो मैथ्स हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि हमारा लॉजिक बिल्ड हो। वो कैसे बिल्ड होगा? अभी जैसे हम कोई टॉपिक सुनेंगे, उसमें पूरा प्लेटफॉर्म रेडी करेंगे कि ये स्टोरी है, ऐसे सोचते हैं। उसके बाद देर वुड बी अ स्टेज जहाँ पे कि सोचोगे आप लोग अपने आप खुद। अब बिल्कुल जब क्लास में क्वेश्चंस करा करो ना, अभी जब क्लास में आया करो और क्लास में बैठ के क्वेश्चंस करा करो, बिल्कुल अपने सामने कॉपी पेन रख के पूरी तरह क्वेश्चन सॉल्व करा करो और सोचो कि बिल्कुल पजल सॉल्व कर रहे हो। तो जैसे पजल सॉल्व करने में हम लोग जोर लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सोचो। कुछ नहीं, बिल्कुल ना सोचो कि इसमें मार्क्स एसोसिएटेड हैं, स्कूल में नंबर कम आएंगे कि ज़्यादा आएंगे। वो अपने आप ही ज़्यादा आएंगे, फिर अपने आप ही नंबर अच्छे आएंगे, उनके बारे में सोचो भी ना, कुछ नहीं होता। हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर तक काम कर चुके होंगे, बहुत अच्छे लेवल तक, और बिल्कुल भी कुछ स्पेशल करे बिना, क्योंकि इतना सिंपल काम है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल सिलेबस है और बहुत ही सिंपल स्टोरी है पूरी। तो बस अब आज वाली क्लास से हम लोग अब एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशंस। और ये वो टॉपिक है जो कि हम लोग को लाइफ लॉन्ग काम आएगा। बस इसको बिल्कुल शुरू से ध्यान से समझ। क्वेश्चंस इस टॉपिक के ना बहुत सिंपल होते हैं, पर हमसे बड़ी सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो जब हम लोग अभी काम करेंगे ना, तो क्लियरली वील एक्चुअली सी दो सिली मिस्टेक्स। हम लोग देखेंगे उनको, मार्क करेंगे और बिल्कुल पक्का करेंगे कि हम लोग वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। बिल्कुल ध्यान में रखना। अब जैसे ये टर्म है एक्स माइनस वन बाई टू, अब की बार बराबर था टू एक्स प्लस थ्री के। तो अब हम लोग इसमें एक्स को निकालना चाहते हैं, तो x को निकालने में अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये यहाँ पे इसके नीचे 2 डिवाइड हो रहा है। तो क्यों ना एक काम करें कि पहले इस टर्म को सिंपल कर लें। कैसे कर लें सिंपल? x माइनस वन बराबर हो गया 2 को इधर मल्टीप्लाई करा, हो गया 2 इंटू टू एक्स प्लस थ्री। ये बनी, देखो 2 मल्टीप्लाई करेगा इस पूरी टर्म से, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेगा। कई बार कई बच्चे ना जल्दी में क्या करते हैं कि वो इसको 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते ही नहीं। तो ये बड़ी मिस्टेक है। अब देखो ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, याद रखना ये पॉइंट। तो ये क्या दे गया हमें, एक्स माइनस वन बराबर आ गया 2 इंटू टू एक्स, 4x प्लस 2 इंटू थ्री 6। ये बननी चाहिए थी एक्सप्रेशन। गलती से किसी ने अगर 4x प्लस 3 सोची तो वो गलत है। ये क्या बनना चाहिए था, 4x प्लस 6। अब जैसे ही हमने ये बना लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे हो गया सॉल्व? अब सारी x वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, x माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 1। ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 3x बराबर हो गया 7 के, वहां से x बराबर आ गया माइनस 7 बाई 3। ये हमारा आंसर है। और देखो कितना सिंपल पैटर्न है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी। किस तरह की मिस्टेक्स होती हैं? इस तरह की।
देखो ये थी नेक्स्ट एक्सप्रेशन, अब इसमें क्या करें। तो अब यहां पे एक तरीका तो ये था कि इस पूरी x वाली टर्म को इस साइड ले आए, इस वन को उस तरफ ले जाए। अच्छा एक बात याद रखना, इन क्वेश्चंस में जो मेजर स्किल हम लोग डेवलप कर रहे हैं ना, वो ये बस इक्वेशन सॉल्व करना नहीं है। जो मेजर स्किल है वो डायरेक्टली लिखा नहीं होता। वो मेजर स्किल एक्चुअली क्या है कि हम लोग की कैलकुलेशंस कंप्लीट भी हों और फास्ट भी कंप्लीट हों। तो इसमें ना ग्रेजुअली ऑब्जर्व करना कि कैसे कैसे करते हैं। अब देखो जैसे हम लोगों ने पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का करा, कैसे इस टर्म का एलसीएम ले लिया, तो ये 1/1 है, इसका एलसीएम 3 आ गया, ये हो गया 2x + 3/3, इसका एलसीएम 15 आ गया, ये आ गया 7x + 45/50। अब क्या करें, अब एक रूट तो ये बनता कि सिंपली 15 को इधर मल्टीप्लाई करें और 3 को इधर मल्टीप्लाई करें, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा करके बिल्कुल सही होता। पर एक बात सोचो, क्या हमें दिखता है कि अगर इस 3 को इधर ले जाओ, अगर बस इस 3 को इधर ले जाओ, क्यों लेके जाओ, अब ये बात क्यों सोचो, तो ऐसा करने पे जो राइट हैंड साइड बनता वो ये बन जाता, जो राइट हैंड साइड होता बस 3 को उधर लेके जाओ, तो क्या हमें दिखता है कि ये 3 1s और ये 3 5s ये कैंसिल हो गए। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी नीट हो गई, हमें नहीं तो पूरा 15 मल्टीप्लाई करना पड़ता, 3 को मल्टीप्लाई करते हमारी टर्म्स बड़ी बड़ी बनती। तो ये क्वेश्चन तो फिर भी अभी सिंपल है, जब आगे क्वेश्चंस करोगे तो कई बार हमारे क्वेश्चंस इस रीज़न से नहीं हो पाते क्योंकि हम इतनी छोटी सी बात का ध्यान नहीं रखते। जब हम लोग इस 3 को इधर लेके गए तो हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया, जस्ट सोचो 3 को इधर लेके गए तो फ़ायदा क्या हुआ, ये बन गया 2x + 3 = 7x + 45/5। अब क्या करें, सिंपली इस 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 तो कैंसिल हो चुका है, तो 5 × 2x + 3 बराबर आ गया 7x + 45 के। वहां से हमें क्या मिला, 10x + 15 = 7x + 45। अब x वाली टर्म्स एक साथ, तो 10x - 7x 3x = 45 - 15, दैट इज 30। वहां से x आ गया 10, इसी क्वेश्चन में सोचो कि बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह अगर हमें कहा गया होता कि वेरीफाई योर सॉल्यूशन, तो अब इसको क्या करते, इस x की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करके दिखाते। हमने 10 को पुट कराया, वो आ गया 2 × 10/3+1, ये क्या बना हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये कितना आ गया 20/3+1, जिसका एलसीएम लिया तो ये आ गया 23/3, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बना। अब अगर राइट हैंड साइड को बनाएं तो वहाँ था 7 × 10/15+3, ये बनी एक्सप्रेशन। अब मन करे तो इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लें पहले, बाद में एलसीएम लें, नहीं तो डायरेक्टली एलसीएम ले लें, ये आ जाता 70, या अगर यहाँ पे इसको डायरेक्टली कैंसिल करें तो ये 5 2s और ये 5 3s, तो ये क्या बन गया 14/3+3, विच इज एक्चुअली वॉट 14 + 9/3, विच इज अगेन 23/3। तो वहां एग्जाम में हमें एग्जैक्टली अगर कहा जाए कि अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई करो, तो पूरी तरह उसको वेरीफाई करके दिखाना, क्या करना, एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कराया, उसी एक्स की वैल्यू को हमने राइट हैंड साइड में भी पुट कराया, और दोनों साइड्स का जवाब हमने दिखा दिया कि देखो सेम आ रहा है। पर ये कब करोगे, जब हमें कहा जाए कि वेरीफाई द सॉल्यूशन, चेक द सॉल्यूशन। तो अगर इसी क्वेश्चन में कहा गया होता